हर हर महादेव। और आज सावन की फर्स्ट सुमारी, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और फाइनली हम जा रहे हैं अपने गांव के मंदिर पे पूजा करने, तो चलिए अपने गांव का शिव मंदिर दिखाते हैं। सामने में मंदिर दिख रहा है, मंदिर पहुंच चुके हैं, चलिए। और फाइनली मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन मंदिर हम लोगों का आपको दिख रहा होगा, जो कि शिव शंकर भोले जी का मंदिर है। और आज यहाँ पे हम लोग जल ढारेंगे क्योंकि फर्स्ट सोमारी है। सबसे पहले चलिए घंटी बजा लेते हैं और फिर अंदर आपको दिखाते हैं। इधर साइड में देखिए बजरंग बल्ली जी रखे गए हैं और उनके सामने, जो शिव मंदिर के सामने, बसहा बैल यानी कि हमारे बसहा बाबा हैं। और इसके अंदर चलिए दिखाते हैं आपको, जो कि हमारे जो भी शिव शंकर जी भोलेनाथ जी का लिंग है। और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं और ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना मंदिर है, अभी नया बन रहा है। ऊपर में आप गुंबज देख सकते हैं, कमज़ोर हो चुका है, नया बनेगा तो फिर भी हम आपको ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे। और ये देखिए दादी माँ इसी में रहती हैं बहुत सेवा। और फाइनली चलिए अब मैं पूजा भी कर लेता हूँ। जय शिव शंकर भोले, हर हर महादेव। बजरंग बली की, और ये बजरंग बली है। सामने मंदिर अंदर का सीन आपको दिखाया है। और यहाँ पे लाउड स्पीकर रेडी किया जा रहा है शाम को गाना बजाने के लिए। और उसके साथ चलिए हम आपको अंदर दिखा देते हैं। चारों तरफ जो इसका स्पेस है तो इसमें अच्छा से, मतलब अच्छा खासा स्पेस है। और जो अंदर छोटा सा गुंबद है उसको तोड़ कर बड़ा सा बनाया जाएगा। साइड में आपने देखा ही, और बाहर का नज़ारा एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं। इधर देखिए ये पंडित जी साफ कर रहे हैं, जो इसमें ज़्यादा फूल मालाएँ चढ़ गई है। उसके बाद यहाँ बाहर में देखिए, यहाँ भी जो नीम माता है पूजी जाती है। और ये समाधि जिनका है, इन्होंने मंदिर का स्थापना किया था। और ये देखिए, ओ माय गॉड, ये छोटा सा बच्चा जो कि गोए बोला जाता है, और ये देखिए मंदिर के अंदर निकल गई है और कितना दौड़ धूप कर रही है। बल्कि इसको मारना नहीं चाहिए, देखिए अपना रास्ता खुद ढूंढ ली, अंदर चली गई। फाइनली ये मेरा गांव का मंदिर है अभी, जो कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, देखते सब बाकी है, काम आधा अधूरा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे और भी बड़ा गुंबज बनने का है अभी। और फाइनली आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मैं बजरंगबली और हमारे महादेव जी से आप सबके लिए मन्नतें मांगी हैं कि आप सभी हमेशा खुश रहें, अच्छा रहें, जीवन में खुशहाल रहें, और जो भी आप चाहें वो आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो एक बार बोल दीजिए, हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोले, भोले बाबा की जय, केदारनाथ की जय। चलिए तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा वादा, खुश रहे, मस्त रहे, जय हिंद।